Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Students, today we are going to read our second unit, that is Chinese New Year. You have read our first lesson that was about the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and after the first lesson there was a long gap because of the preparation of your exams, but as you know that your exams has been cancelled and you would have enjoyed many holidays also. Now you are to prepare your 10th class examination. So let's start our lesson, that is Chinese New Year. Chinese is from China. China is the name of a country, our neighboring country, which stood by Pakistan in every thick and thin, through every thick and thin, through every difficulty. We have very good relations, very friendly relations with China. That's why this lesson has been included our text, our syllabus, so that our students would be familiar with the traditions, with the culture of our neighboring country, China. Many of our students every year go to China for studying different things, for getting jobs, and China has made great progress in the field of mechanics, electronics, in the education. As China is the most populous country, but still China has never claimed for its population, because most of Chinese population is effective. ज़्यादातर चाइना में आबादी जो है वो इफेक्टिव है, उनकी मीशत पर चाइना की आबादी एक बर्डन है, as it is in our country. कि हम अपने मुल्क में हमेशा आबादी का रोना रोते हैं, जो कि चाइना की नस्बत बहुत कम है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इफेक्टिव नहीं है. वहाँ पर हर बच्चे से बूढ़े तक काम करते हैं, एजुकेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है. दैट्स वाई चाइनाज पॉपुलेशन इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर इट्स इंडस्ट्री, फॉर इट्स इकोनॉमी. लेट्स सी चाइनीज न्यू ईयर. It is a celebration that is celebrated in China with great enthusiasm. It is a very big festival that is celebrated in China. China is the noun and Chinese is adjective. Chini, Chin ka, New Year, Naya Saal means to say the first day of Chinese year. चीनी अपने साल का पहला दिन किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से मनाते हैं, यू वुड रीड अबाउट दिस इन दिस लेसन. चाइनीज न्यू ईयर, चीनी साले नौ, चीनियों का साल का पहला दिन. चाइनीज न्यू ईयर इज अ हॉलीडे, चीनी साले नौ छुट्टी का दिन होता है. यानी जब चीनी का चीन का साल शुरू होता है यहाँ, तो पहले ही दिन में छुट्टी वहाँ पर मनाई जाती है. दैट सेलिब्रेट्स, जिसको मनाया जाता है, सेलिब्रेट मीन मनाना, रिजोइस, इंजॉय, आर इट्स सिनोनिम्स. द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, बिगिनिंग आगाज, स्टार्ट ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल की आमद को अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, रिगार्डेड टू द चाइनीज न्यू लूनर कैलेंडर, चाइनीज लूनर कैलेंडर. लूनर इज अबाउट मून, ऑफ द मून. लूनर कैलेंडर कमरी साल, चांद की मूवमेंट पर, रेवोल्यूशन पर जो के बेस करता है. लूनर कमर से कमरी कैलेंडर, लेकिन जो हम दूसरा शमसी कैलेंडर बनाते हैं, दैट इज नॉट अ सोलर कैलेंडर, दैट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर. That is based on the movement of the sun. Sun की, सूरज की movement पर हम जो calendar बनाते हैं, जो base करता है, that is called Gregorian calendar. And the calendar that is based on the movement of the moon, that is lunar calendar, कमरी calendar. चीनी साले नो छुट्टी का दिन होता है, जिसे चीनी अपने कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल की आमद को मनाते हैं. चीनी साले नो छुट्टी का दिन होता है, जिसे चीनी अपने कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल की
आमद को मनाते हैं। इट इज कंसिडर्ड, इसको समझा जाता है, कंसिडर मीन समझना, थिंक ख्याल करना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज फॉर चाइनीज फैमिलीज, जिसे चीनी खानदानों के लिए निहायत अहम छुट्टी समझा जाता है। चीनी साले नौ पर छुट्टी का दिन होता है, चीनी साले नौ छुट्टी का दिन होता है जिस पर चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल की आमद को मनाते हैं और इसे चीनी खानदानों में अहम तरीन छुट्टियों में से एक समझा जाता है। द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड, ये छुट्टी मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, खानदान के बड़े इज्तमा के साथ। गैदरिंग इज्तमा कलेक्शन मीन्स ऑल द फैमिली मेंबर्स गेट कलेक्टेड ऑन दैट डे एंड देन दे सेलिब्रेट दिस डे। As we people celebrate our festivals like Eid or 14th August, that our families get together, we visit our relatives and we also make parties and we also make the festivities on our festivals. The same way, their families also get together, get close, and then they enjoy this festival. Gift giving, they give the gifts to each other. One another, तहाइफ के लेन देन से, the eating of symbolic foods, रिवायती खाने खाकर, symbolic, रिवायती, अलामती, figurative, अलामती खाने खाकर, as on our Eid, इधर फितर, we people consider it is our sweet Eid, we make sweet dishes, सवैया, खीर, शीर कुर्मा, like this, the same way, they also make some symbolic foods. And display of festive decorations and display और वो एहतमाम करते हैं, display means show, दिखाना, एहतमाम करना of festive decorations, खुशगवार आरायशों का। चीनी खानदान ये त्यौहार तहाइफ खानदान के बड़े इज्तमात से, तहाइफ के लेन देन से, रिवायती खाने खाकर और खुशगवार आरायशों के एहतमाम से मनाते हैं। ऑल फोकस्ड, इन सब का मरकज होता है, फोकस मरकज, अ फिक्स्ड पॉइंट, द बेस ऑफ दिस फेस्टिवल, इन सब चीजों का, यानी ये जो तमाम काम किए जाते हैं, तहाइफ वगैरह दिए जाते हैं, खानदान इकट्ठा होता है, इन सब चीजों का मरकज क्या होता है, इनका फोकस क्या है, ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, खुशकिस्मती लेकर आना फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और आने वाली बहार को मनाना। इन सब चीजों का मरकज नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना और बहार की आमद को मनाना होता है, कि जब चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट होता है उसके साथ ही उनका स्प्रिंग सीजन भी स्टार्ट होने वाला होता है, और वो अपने साल के पहले दिन पर ऐसे काम करते हैं कि जिससे उनका आने वाला अगला पूरा साल जो है वो खुशी खुशी गुजर सके। बिकॉज दे बिलीव दैट हाउ दे वुड स्पेंड देयर फर्स्ट डे, द होल डे और द होल ईयर वुड स्पेंड इन द सेम वे। चीनियों का ये अकीदा है कि वो अपना साल का पहला दिन जिस तरह से गुजारेंगे, उनका आने वाला बाकी पूरा साल भी इसी तरह से गुजरेगा। That's why they don't quarrel, they don't fight on the first day, they don't scold their children, they don't indulge in the bad activities. They spend their whole day, their first day or some more early days very happily by giving gifts, by saying good comments about each other and by visiting their relatives and so on. Because they believe that कि जिस तरह से वो अपना पहला दिन गुजारेंगे इसी तरह से उनका बाकी का साल भी गुजरेगा। तो इन सब चीजों का मरकज कि वो जो सारा एहतमाम करते हैं अपने साल के पहले दिन पर, इन सब बातों का मकसद क्या होता है कि उनका आने वाला साल पूरा अच्छा गुजरे और वो बहार की आमद को मना सके। तो इन सब बातों का मकसद नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना और बहार की आमद को मनाना होता है। इन चाइना, चीन में द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड, अभी तक इस्तेमाल किया जाता है कमरी कैलेंडर, टू डिटरमिन तय करने के लिए, डिटरमिन तय करना, फिक्स
their traditional holidays, उनकी रिवायती छुट्टियाँ, रिवायती छुट्टियाँ जैसे उनके कोई भी त्यौहार या कोई भी उनकी जो अपने अपने कल्चर वगैरह से रिलेटेड जितनी भी छुट्टियाँ हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ हमारी रवायती छुट्टियाँ हमारी इस्लामिक उनमें हैं, हमारी शब बरात, ईद मिलादुल नबी या 14 अगस्त हैं, या हमारा डिफेंस डे है, इस तरह से जैसे हमारी छुट्टियाँ, इसी तरह उनके स्टेट और उनके कल्चर के मुताबिक जितनी भी छुट्टियों का वो तयन करते हैं, उन सब के लिए भी वो अभी तक कमरी कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लाइक न्यू ईयर जैसा कि साल का दिन। चीन में अभी भी रिवायती छुट्टियों जैसे चीनी सालों का तयन करने के लिए कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। सिंस द लूनर कैलेंडर, क्योंकि लूनर कैलेंडर इज बेस्ड मबनी है, बुनियाद रखता है ऑन द फेसिस ऑफ द मून, चांद की अशकाल पर, डिफरेंट चांद के जो स्टेप्स हैं, एज यू पीपल सी ऑन द अर्ली डेज द मून इज इन अ वेरी स्मॉल इन साइज एंड विद द पैसेज ऑफ द टाइम इट गेट्स बिगर एंड बिगर एंड ऑन द 13 and 14 इट बिकम्स लाइक अ वॉल एंड देन इट्स अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग। के चांद के जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, शुरू में आप देखते हैं चांद बिल्कुल एक लाइन की तरह होता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, तो चांद की मुख्तलिफ अशकाल पर चीनी जो कमरी कैलेंडर है उसका दारोमदार है, विच हैज अ शॉर्टर साइकिल, जो के अपना चक्कर कम रखता है, जिसका चक्कर कम है देन द सन, सूरज की निस्बत। चूंकि कमरी कैलेंडर चांद की अशकाल पर मबनी है, जिसका चक्कर सूरज की निस्बत कम होता है या छोटा होता है, मीन्स टू से सूरज एक चक्कर, जमीन जब सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाती है तो उस वक्त उसका वो 365 डेज में एक अपना मुकम्मल करता है एक साइकिल, लेकिन जब यही चक्कर चांद लगाता है तो वो ऑलमोस्ट 355 डेज में कंप्लीट करता है। अगर हम अपने ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ लूनर कैलेंडर को देखें तो हम देखते हैं कि हर साल 10 डेज का एक डिफरेंस आता है। वैसे तो पूरा साल हम इन चीज़ों का इतना हिसाब नहीं रखते हैं, लेकिन हम अपने फेस्टिवल्स पे, ईद वगैरह पे देखते हैं कि लास्ट ईयर जैसे कि हमने देखा कि हम 5 मई से हमारा रमज़ान मुबारक जैसे स्टार्ट हुआ था, और इस बार हमने देखा कि 25 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, यानी 10 डेज पीछे आ गया, और इसी तरह से नेक्स्ट ईयर ये 15 अप्रैल तक चला जाएगा। ये हर बार एक डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि चांद अपना सर्कल जो है वो कम डेज में 355 डेज में ऑलमोस्ट कंप्लीट करता है, और जो सूरज का सर्कल है वो 365 डेज लेता है। इस तरह से हर साल ये एक ड्यूरेशन जो है वो 10 डेज का पीछे आता जाता है, लेकिन वो अपने फेस्टिवल्स को चाइनीज पीपल जो हैं वो इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि हर साल उनका न्यू ईयर भी वहीं पर रहे और न्यू ईयर के फेस्टिवल्स भी वहीं पर रहें, और उसके साथ साथ उनका कमरी कैलेंडर जो है वो भी उसके साथ साथ ही चलता रहे। सी नेक्स्ट, चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, चीनी सालेनों हर साल एक ही दिन पर नहीं होता। अभी मैंने बताया भी कि चांद की और सूरज की जो ये गर्दिश है इनमें एक डिफरेंस आता है हर साल 10 डेज का, कि कभी भी इसलिए ये सेम डे पर नहीं होते, बट टिपिकली लेकिन रिवायती तौर पर ट्रेडिशनली फॉल्स ये रहता है समवेयर बिटवीन, कहीं दरमियान में जनवरी 21 एंड फरवरी 20th और 20 फरवरी के। चीनी सालेनो हर साल एक ही दिन पर नहीं रहता, लेकिन ये रिवायती तौर पर 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान रहता है। अब देखें, वैसे तो ये डिफरेंस बिल्कुल टोटली चेंज होता जाना चाहिए, जैसे हमारा रमजान मुबारक तो दिसंबर में भी गुजर चुका है, अगस्त में भी गुजर चुका है, हम इसके मुताबिक अगर देखते हैं तो, और अब ये मई जून में भी आ रहा है, लेकिन वो कैसे इसको रखते हैं हर साल 21 जनवरी से 20 फरवरी, वो हर अपना एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद एक साल आपका 13 मंथ्स का ऑब्जर्व कर देते हैं, जब जैसे ही वो इस एक माह के से बाहर निकलने लगता है 21 जनवरी से 20 फरवरी के,
तीन साल उनके इसके दरमियान में आते हैं, जब उनका चौथा साल होता है तो उसमें वो एक और मंथ अपना ऑब्जर्व करके उसको फिर से उसके दरमियान में ले आते हैं, कि उनकी ये एक ट्रेडिशन है कि उन्होंने चाइनीज न्यू ईयर भी यही सेलिब्रेट करना है और अपना लूनर कैलेंडर भी यहाँ से ही उन्होंने स्टार्ट करना है। तो इसके लिए उस उनको उन्होंने अपने इस कैलेंडर को इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है। चीनी सालेनो हर साल एक ही दिन पर नहीं होता, लेकिन रिवायती तौर पर ये 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान ही कहीं रहता है। सेलिब्रेशंस तकरीबन लास्ट एक्चुअली लास्ट एक्चुअली दरअसल हकीकत में इन रियलिटी लास्ट तक कंटिन्यू रहती हैं। लास्ट तक कंटिन्यू कायम रहना जारी रहना अप टू अ मंथ तकरीबन एक महीने तक, और तकरीबन एक महीने तक जारी रहती हैं, यानी पूरा महीना वो अपना उसकी तैयारियों में और उसके बाद फिर सेलिब्रेशंस में ही गुजार देते हैं। इस तरह से वो बहुत जोश परोश से और विद गुड थिंकिंग और अच्छी जज्बात से विद गुड विशेस नेक ख्वाहिशात और नेक जज्बात के साथ वो अपना पूरा साल एक ऑब्जर्व करते हैं, उसको मनाते हैं। ओके, थैंक यू।